बाद में हमले की घटना हुई, पुलिस वालों द्वारा मारपीट या पुलिस वालों पे मारपीट जो घटना हुई, इसके बारे में आज सुनवाई थी कोर्ट में जी। तो बचाव पक्ष की ओर से क्या दलील दी गई इस मामले में? देखिए, जो वीडियो वायरल हुआ है इस घटना का, वो वीडियो एडिटेड वीडियो है। उस जो वीडियो आप लोगों ने जहाँ जहाँ भी देखा है, उस वीडियो में एक घटना से पहले जितनी भी गाड़ियाँ वहाँ से गई उनकी चेकिंग वगैरह वो वीडियो में दिखाई गई। पर जब इन आरोपियों में से एक आरोपी के सर में जो है ट्रैफिक कांस्टेबल ने जो डंडा मारा है जिसके कारण वो गंभीर जख्मी हुआ है, वो वाली वीडियो जो है वो एडिट कर दी गई है। वो वीडियो पुलिस प्रशासन की ओर से और किसी भी मीडियाकर्मी की ओर से पब्लिश नहीं की गई है, उसमें एडिटिंग है। तो बचाव पक्ष का उसमें यही आज आर्ग्यूमेंट रहा है कि एक पुलिस कांस्टेबल जो अभी सिचुएशन जो है संचारबंदी की जो सिचुएशन है पूरे पूरे देश में, तो पुलिस ने जो है संचारबंदी कायदे के तहत कार्रवाई करना चाहिए था। पुलिस कांस्टेबल को, किसी भी अधिकारी को, किसी भी सामान्य नागरिक को सर पर या कई और अन्य जगह मारने की अनुमति नहीं है। पुलिस ने जो कार्रवाई करना चाहिए था वो एज पर द संचारबंदी एक्ट पुलिस ने कार्रवाई करना चाहिए था, लेकिन वैसा ना करते हुए जो दो आरोपी है, जो टोटल पाँच आरोपी है, पाँच आरोपी में से जो दूसरा पीछे बैठा हुआ आरोपी है उसकी यहाँ पर जो है पहले चोट लगी, उसके चोट लगने के कारण वो अनकॉन्शियस हो गया और अनकॉन्शियसनेस में उसके भाई को मदद के लिए बुलाया। उसके भाई ने पुलिस कांस्टेबल से पूछा कि आपने सर में क्यों मारा है, आप सर में क्यों मारा, हमारी गलती क्या है। इस पर वाद बढ़ा और उसके बावजूद पुलिस कांस्टेबल ने उसके बाद जो है उनके ईगो सेटिस्फैक्ट्री के लिए, खाली उनकी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए पहले पैरों पर लाठी चलाई और बाद में जो मेन आरोपी है शाहरुख के सर पर लाठी चलाई, उसके बाद से मामला बिगड़ गया। दूसरी जो इस पूरे मामले में जो मेन बात ये रही है कि आज इसकी सुनवाई थी कोर्ट में और कोर्ट में पुलिस की तरफ से ये दलील दी गई है कि जो वारदात में इस्तेमाल हुई पैशन गाड़ी और पुलिस का जो डंडा, पुलिस ने दलील दी कि पुलिस का डंडा और पैशन गाड़ी वहाँ पर नहीं मिली, तो इसके लिए रिकवरी के लिए कोर्ट ने जो है 5 दिन का PCR ने दिया है, पुलिस कस्टडी दिया है। आरोपी का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, अभी तक किसी भी आरोपी का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड पुलिस की ओर से या किसी और से सामने नहीं आया है। वकील साहब, ये जो पुलिस जो कर रही है जी, पुलिस तो अपने सुरक्षा के लिए कर रही है ना, ये लोग बाहर क्यों निकल रहे? बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग गैर जिम्मेदाराना तरीके से बाहर जाते हैं, बाहर निकल रहे हैं, उन पर बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। बस पुलिस की भी कार्रवाई का एक दायरा है, पुलिस उस दायरे को ना फैलांगते हुए जो नियम दिए गए उस नियम के तहत पालन करे और उस नियम की अमल बजाव नहीं करे, ना कि पुलिस किसी के सर पर भी मारे। कोर्ट ने क्या आदेश दिया आज के? कोर्ट ने जो है इनकी पैशन बाइक जो रिकवर नहीं हुई है, तो वो पैशन बाइक रिकवर करने के लिए और पुलिस का डंडा जो वहाँ पे मौका है वारदात पर, पुलिस का कहना है कि पुलिस का डंडा वहाँ से गायब हुआ है या इन आरोपियों के पास है, तो दोनों चीज़ों की रिकवरी के लिए टाइम मांगा है, मतलब पुलिस ने PCR मांगा है 5 दिन का। तो अगली सुनवाई कब तक? इसमें अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। 13 अप्रैल, टोटल कितने आरोप? इसमें टोटल 5 आरोपी है और इसमें से एक अल्पवयीन है जो 15-16 साल की उम्र के करीब है। सर, पुलिस की तरह से बताया गया था कि पहले शुरुआती दौर में ये ट्रिपल सीट जा रहे थे, पुलिस ने रोकने की कोशिश की लेकिन पुलिस के ऊपर से ये गाड़ी हांग कर डालकर आगे फरार हुए थे। देखिए, पुलिस का जो भी कहना है पुलिस का, वो जो वीडियो सामने आया है पुलिस उस आधार पे बात कर रही है और अभी केस का ट्रायल अभी बाकी है, तो जो कुछ हुआ है पुलिस के पास वो वीडियो फुटेज नहीं है जो ट्रिपल सीट जा रहे थे, फिर पुलिस ने इनको रुकाया और इन्होंने पुलिस पे हमला किया। देखिए क्या होता है कि कोई भी बिना किसी कारण के पुलिस अधिकारी को कुछ कहने को भी डरता है, और जबकि वहाँ पे 8-10 पुलिस अधिकारी वहाँ पर मौका है वारदात पर मौजूद थे, तो हमारी बचाव पक्ष की तरफ से दलील यही दी गई है कि पुलिस ने जो कार्रवाई की, पुलिस ने एक ट्रैफिक कांस्टेबल को किसी भी नागरिक के सर पर चोट देकर उसे गंभीर रूप से जख्मी करने के अधिकार है या नहीं, ये हमने उस पर काफ़ी दलील दी है। और ये भी दलील दी गई थी कि अब चारों आरोपी पुलिस के ताबे में है और एक दूसरा आरोपी जो अल्पवयीन है वो भी पुलिस की निगरानी में है, इसमें MCR दिया जाए। बट कोर्ट की ओर से पैशन गाड़ी की रिकवरी और जो पुलिस का डंडा गायब हुआ है उसके लिए 5 दिन का PCR पुलिस। एक बात बताइए, आप वीडियो एडिटिंग की बात कर रहे हैं जी, ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, उस चौराहे पे कोई तो CCTV कैमरा होगा? बिल्कुल होगा, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उस वक्त जितने भी कैमरे वहाँ पे चालू थे, जहाँ जो भी वहाँ पे कैमरा मौजूद है, उन सब कैमरे की जांच होना चाहिए। जब आप उस वीडियो को आप गौर से देखिए, उसमें जो इनसे पहले आने वाले जो एक दो पुलिस कार है, पुलिस के जरिए कार रुकाई गई, कोई दूध वाले को रुकाया गया, उसकी सारी फुटेज है। बस उसके बाद जो डायरेक्ट पुलिस पर अटैक होगा ऐसा तो नहीं हो सकता। जो इसमें आरोपी को जो सर पे चोट आई है, जिसकी फरियाद पुलिस ने नहीं ली,
जी। आपका नाम? एडवोकेट आमिर खान।